दाना तूफान को लेकर अलर्ट जारी है। ओडिशा के भद्रक का ये नजारा तूफान से आने के पहले का है। दाना तूफान जान माल की हानि पहुंचा सकता है, इसके लिए प्रशासन की ओर से सतर्कता बढ़ाई गई है। ओडिशा और बंगाल में तूफान से बचाव की व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। ओडिशा में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। तूफान की भव्यता का अंदाजा लगाते हुए लोगों को सुरक्षित शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है। आज हमारे 2-3 लेवल पे रिव्यू मीटिंग हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे तरफ से भी बहुत सारे रिव्यू लिए गए हैं। जहाँ पे जो कलेक्टर सर थे उन्होंने भी रिव्यू लिए हैं। तो हमारे जितने भी साइक्लोन सेंटर है वहाँ पे अभी लोगों को इवैक्यूएट करना आज मॉर्निंग से ही शुरू हो गया है। शाम 4 बजे तक हमारे करीब 25 से 30 हजार के बीच हमारा इवैक्यूएशन हो चुका है। रात को हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 70,000 से भी ज्यादा इवैक्यूएशन हो जाए, और कल 11 बजे तक जितना हमारा टारगेट है अराउंड 2.5 लाख इवैक्यूएशन का हमारा टारगेट रहेगा। सारे जो हमारे साइक्लोन सेंटर्स है, परमानेंट साइक्लोन सेंटर्स और कुछ स्कूल्स जो टेम्पररी साइक्लोन सेंटर्स को हमने कन्वर्ट किया है, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज हो, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए ब्लॉक लेवल पे हमारे वीडियोज है पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर से, उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और जो भी लोग आ रहे हैं उनको कुक फूड हो और वहाँ पे सब फैसिलिटी हो, इसके लिए सबको इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने दिया है। और पुलिस के साथ भी सहयोग के साथ जहाँ पे भी लोग आने के लिए राजी कुछ किन्हीं वजह से ना हो रहे थे उनको भी हमने कन्विंस करके सबको इवैक्यूएशन का प्रोसेस हमारा चल रहा है। हमारे जिले में जितने भी सीएससी, पीएससी है, सीडीएमओ मतलब डीएचएच है, वहाँ पे सारे मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल दवाइयाँ सब रेडी रखी गई है। एंटीवेनम दवाइयाँ हो या फिर और जो भी दवाइयाँ हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, बिकॉज ऑफ रेन होने के चांसेस है, उसको सबको रेडी हमने रखा है। मेडिकल की रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स भी रेडी हुआ है, और हमारे जो साइक्लोन सेंटर्स है वहाँ पे लोकल मेडिकल ऑफिसर्स उनके टीम के साथ जाएंगे, सो दैट साइक्लोन सेंटर पे भी लोगों को हेल्थ का कुछ भी इश्यू हो वहीं पे उसको उचित तरीके से इलाज किया जाएगा। प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए कितना आपको फैसिलिटी दिया जाएगा? प्रेग्नेंट वुमन हमारे टोटल 750 के अराउंड है, उसमें से ऑलरेडी दोपहर 2 बजे तक हमारे करीब करीब 300 प्रेग्नेंट वुमन को हमने शिफ्ट हम लोग कर चुके हैं। कल मॉर्निंग तक सबको शिफ्ट करा देंगे, सो दैट उनको जो डिलीवरी टाइम है उसमें कुछ इश्यू ना हो। इस तूफान के चलते कई ट्रेन और फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। साइक्लोन दाना इज मतलब अप्रोच कर रहा है ओडिशा कोस्ट एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट को, एंड उसका जो लैंडफॉल होगा वो एज पर मेट फोरकास्ट 24 तारीख मिडनाइट से लेके 25th अक्टूबर का मॉर्निंग तक, एंड इसके वजह से भुवनेश्वर एयरपोर्ट अफेक्ट भी हो रहा है ड्यू टू स्ट्रांग विंड एंड हेवी रेनफॉल। इसीलिए हम लोगों ने जो स्टेक होल्डर्स है हमारे भुवनेश्वर एयरपोर्ट में, हमने एक इमरजेंसी मीटिंग किया, और मीटिंग में हमने ये यूनानिमसली डिसाइड किया की फ्लाइट ऑपरेशन को सस्पेंड करेंगे 26 तारीख को 17 बजे मतलब इवनिंग 5 o'clock से लेके नेक्स्ट डे 9 बजे तक मतलब 25 तारीख 9 बजे तक। इसमें से अराउंड 40 फ्लाइट करीब अफेक्टेड होंगे, आइदर विल बी कैंसल्ड और बी डिलेड और रिशेड्यूल्ड। जो हमारा जो एक्सपेक्टेड है और जो फोरकास्ट है उसमें 35 टू 40 नॉट्स का स्ट्रांग विंड भुवनेश्वर एयरपोर्ट में चल सकता है, और जो कि वो फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए सेफ नहीं माना जाता है। पैसेंजर्स उनके सेफ्टी और फ्लाइट ऑपरेशंस का सेफ्टी के लिए ये डिसीजन जो लिया गया है, प्लस पैसेंजर्स दे हैव घर से निकलने के लिए निकलने से पहले वो लोग चेक करना चाहिए फ्लाइट का टाइमिंग्स एंड फ्लाइट रेशेड्यूल हुआ है कि टाइम पे है कि कैंसिल हुआ है। सर, ट्रेन सैकड़ों की संख्या में कैंसिल हो जाने के कारण एयर ट्रेवल्स लोग का जो प्रेशर पड़ रहा था उसके बीच में अचानक 40 फ्लाइट कैंसिल हो जाना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
हाँ प्रॉब्लम तो होगा पैसेंजर्स के लिए, बट सेफ्टी तो पहले देखा जाता है, तो इसलिए फ्लाइट हम एयरपोर्ट जितना मैक्सिमम है हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, बट वो स्ट्रांग विंड और जो हैवी रेनफॉल है वो फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए डिट्रीमेंटल है, तो उसके चलते हमको ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। उसमें पैसेंजर्स का इनकन्वीनियंस ही तो होगा, बट सेफ्टी को पहले देखा जाता है, सेफ्टी फोरमोस्ट है, उसके बाद फिर हम रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद देखेंगे, अगर पहले अगर वेदर इम्प्रूव हुआ तो हम पहले ये फ्लाइट ऑपरेशन जो सस्पेंशन है उसको विड्रॉ करेंगे, कल हम फिर अगर रिव्यू करके और जो मेट का जो इन्फॉर्मेशन है हम मॉनिटर कर रहे हैं उसके चलते हम फिर फर्दर कुछ डिसीजन लेना चाहेंगे। प्रभावित जिलों में ओडिशा सरकार ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं ताकि चक्रवात से जुड़ी कठिनाइयों से निपटा जा सके।